हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। पीएम मोदी खुद रैली करने पहुंच रहे हैं और इसी कवायद में बीड के पराली में पीएम मोदी ने रैली की और कांग्रेस और एनसीपी को जमकर घेरा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गई हैं। वहीं बीजेपी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से कई राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा के मोर्चे पर लगाया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हरियाणा और महाराष्ट्र में जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बीड के परली में हुई रैली में कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का मोह कांग्रेस और एनसीपी से भंग हो गया है और इन दोनों ही पार्टियों का साथ वो छोड़ रहे हैं। अपनी और कांग्रेस के अपने साथियों की चिंता करनी चाहिए। आपके अपने कार्यकर्ता और जमीनी नेता आज आपको छोड़ छोड़ करके भाग क्यों रहे हैं? कांग्रेस के अधिकतर नेता आपस में एक दूसरे से निपटने में लगे हुए हैं और कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आपकी युति में जो युवा थे वो भी छोड़ रहे हैं और जो बुजुर्ग है वो हताश निराश होकर के सर पे हाथ रख करके रोते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीड में जनसभा को संबोधित करते हुए कश्मीर के मसले पर विपक्षी नेताओं को घेरा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में जब भी 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए गए निर्णय के विरोध करने वालों का उनके बयानों का जिक्र जरूर होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए सवाल उठाए कि अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इंतजाम करूंगा। जब भी आर्टिकल 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए गए इस निर्णय का विरोध करने वाले लोगों का, मजाक उड़ाने वाले लोगों का, उनके बयानों का जिक्र इतिहास में जरूर होने वाला है। कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया था कि अगर कश्मीर में हिंदू होते तो बीजेपी सरकार ऐसा फैसला कभी नहीं करती। देश की एकता और अखंडता में तुमको हिंदू मुसलमान नजर आता है क्या? शोभा देता है आप लोगों को? कांग्रेस के एक और नेता ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है। आप सहमत है इस बात से? सहमत है? ऐसा बोलने वालों को माफ कर सकते हैं क्या? महाराष्ट्र में पानी की समस्या पर पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। इसके तहत आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ पानी के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पानी के लिए इतना गंभीर प्रयास भारत में तो क्या विश्व के इतिहास में भी नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2022 तक हर घर जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। ये संकल्प ऐसे ही नहीं लिया गया, इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार के बीते 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। 5 वर्षों का बड़ा संकल्प हमने घर घर पानी पहुंचाने का किया है। हर घर जल ये पहुंचाने के निश्चय के साथ हम खड़े हैं। बेहतर आज और बेहतर कल के लिए हर घर जल, इसी भाव को लेकर के हम चले हैं। आपको जानकारी है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत सिर्फ पानी के लिए आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ पानी के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बहरहाल हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसे जीत का स्वाद चखाती है। ये तो आने वाली 24 तारीख को ही पता चल पाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।